खतरों के खिलाड़ी 11 के लिए इस पॉपुलर टीवी स्टार को दी जाएगी मुंह मांगी रकम। तो क्या ये एक्टर होंगे शो के हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट? कौन है ये एक्टर और क्या है पूरी खबर, आइए बताते हैं आपको। टेली चक्कर की एक खबर की माने तो फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 11 के मेकर्स ने शरद मल्होत्रा को अप्रोच किया है। शरद मल्होत्रा की जबरदस्त फैन फॉलोइंग को देखते हुए ही मेकर्स ने इस शो में शरद मल्होत्रा को लेने का फैसला लिया है। सुनने में आ रहा है कि मेकर्स शरद को इस शो में लेने के लिए अच्छा खासा अमाउंट पे करने की भी सोच रहे हैं। टेली चक्कर की एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है, लेकिन अभी तक मेकर्स की ओर से कोई भी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। सुरभि चांदना और शरद मल्होत्रा स्टारर सीरियल नागिन 5 ऑफ एयर हो चुका है। इस सीरियल के बंद होने की खबर ने ही दर्शकों का दिल तोड़ दिया था और तभी से लोग इस पैर को दोबारा टीवी स्क्रीन्स पर देखना चाह रहे थे। एकता कपूर का ये सुपर नेचुरल ड्रामा बीते फरवरी महीने में ही बंद हुआ था और तभी से इस शो के कलाकार टीवी स्क्रीन से गायब है। कुछ दिन पहले ही शरद मल्होत्रा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो इन दिनों शूटिंग को मिस करते हैं और ऐसे में हो सकता है कि शरद खतरों के खिलाड़ी 11 का ऑफर तुरंत ही झटक ले। शरद मल्होत्रा ने कलकत्ता टाइम्स को बताया, आप किसी रूटीन के यूज टू हो जाते हो। जब आप अपने पसंदीदा लोगों के साथ काम करते हो तो एक परिवार सा बन जाता है। जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होता है तो अचानक से जीवन में एक शून्य आ जाता है, आपका डेली रूटीन बदल जाता है, आप हर एक चीज को मिस करने लगते हैं। कुछ दिन पहले ही खबरें आई थी कि खतरों के खिलाड़ी 11 की शूटिंग इस साल गर्मी में शुरू हो जाएगी। साथ ही ऐसी खबरें भी आ रही है कि मेकर्स ने इस सीजन को और भी खतरनाक बनाने की प्लानिंग की है। फिलहाल तो कमेंट्स करके बताएं कि आप खतरों के खिलाड़ी 11 में शरद मल्होत्रा को देखने के लिए कितने उत्सुक हैं। और देखते रहिए टेली मसाला।